Sumptuary laws and social hierarchy. In medieval Europe, dress codes were sometimes imposed upon the members of different layers of society through actual laws which were spelled out in some detail. Medieval Europe ki baat karein, to jo dress code tha, wo alag-alag members jo hote hain society ke, alag-alag classes jo hoti hain society ke, un pe jo hai jabardasti thopa jata tha actual laws ke through, jiske bare mein hum detail mein padhte hain. From about 1294 to the time of the French Revolution in 1789, the people of France were expected to strictly follow what were known as sumptuary laws. अगर हम 1294 से लेके जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है 1789 तक उसके बीच की बात करें तो जो लोग थे फ्रांस के उनको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिसको कि हम कहते हैं सम्चुअरी लॉज. द लॉज ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दोज कंसिडर्ड सोशल इन्फीरियर्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स, कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेस एंड हंटिंग गेम इन सर्टेन एरियाज. अब ये जो लॉज थी ये क्या कर रही थी, बेसिकली जो लोअर क्लास होती है यानी जो इन्फीरियर क्लास समझी जाती है उन लोगों को मना किया गया कि वो जो है कुछ खास तरीके के कपड़े नहीं पहनेंगे, कुछ खास तरह के फूड्स हैं या बीवरेज स्पेशली अल्कोहल वो नहीं यूज करेंगे और साथ ही साथ शिकार भी कुछ एरिया में नहीं करेंगे. इन मेडिवल फ्रांस द आइटम ऑफ क्लोथिंग इज अ पर्सन कुड परचेज पर ईयर वॉज रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय इनकम बट ऑल्सो बाय सोशल रैंक. खाली सोशल रैंक के हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से भी नहीं, जो मेडिवल फ्रांस था उसमें हर पर्सन को जो है कितने आइटम्स क्लोथ के खरीदने हैं उसे वो भी रेगुलेट कर दिया जाता था कि एक साल में एक आदमी इतने ही नंबर ऑफ आइटम्स खरीदेगा, चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो या उसका कोई सोशल रैंक हो. द मटेरियल टू बी यूज फॉर क्लोथिंग वॉज ऑल्सो लीगली प्रिस्क्राइब, यहाँ तक कि कौन सा मटेरियल क्लोथ के लिए यूज किया जाएगा वो भी जो है लीगली बताया गया था. Only royalty could wear expensive materials. अब जो शाही खानदान वाले लोग हैं वही एक्सपेंसिव मटीरियल यूज कर सकते हैं जैसे कि अरमाइन है, फर है, सिल्क है, वेलवेट है या ब्रोकेड है. अदर क्लासेस वर डिबार्ड फ्रॉम क्लोथिंग देमसेल्व्स विद मटीरियल्स दैट वर एसोसिएटेड विद द एरिस्टोक्रेसी. बाकी जितनी क्लासेस थी उनको पूरी तरह से रोक दिया गया था कि वो ऐसा कोई भी मटीरियल नहीं पहनेंगी जो कि यह कहते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि शाही खानदान के लोग पहनते हैं, उस तरह का मटीरियल कोई भी नॉर्मल पब्लिक नहीं यूज करेगी. The French Revolution ended these distinctions. और जो French Revolution आया, उसने ये सब भेदभाव खत्म कर दिए. As you know from chapter 1, members of the Jacobean clubs even called themselves as the Sans Culottes to distinguish themselves from the aristocracy who wore the fashionable knee breeches. अब जैसा ये हमने chapter 1 में पढ़ा कि जो Jacobean clubs के members थे, जो कि अपने आप को Sans Culottes भी कहलाते थे, ताकि वो अपने आप को अलग रख सके एरिस्टोक्रेसी यानी शाही उससे अलग रखने के लिए उन्होंने अपने आप को सैंस क्लूटोस कहनाना शुरू करवा दिया था. और ये जो है क्या कहते हैं एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे वो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस, जो कि बहुत फैशनेबल नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस क्या होती है, एक घुटनों से जरा सी लंबे शॉर्ट्स होते हैं. सैंस क्लूटोस लिटरली मीन दोज विदाउट नी ब्रीचेस. अब सैंस क्लूटोस क्या थे, वो लोग थे जो लोग ये इस तरह के नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे. From now on, both men and women began wearing clothing that were loose and comfortable. अब जो है इसके बाद से चाहे आदमी हो चाहे औरत, दोनों ने जो है ऐसे क्लोथ पहनने शुरू कर दिए जो कि थोड़े से ढीले ढाले होते थे और कंफर्टेबल होते थे. The colors of the France, blue, white and red, become popular as they were the sign of the patriotic citizen. अगर क्या कहते हैं वहां पर देखा जाए तो फ्रांस में कलर्स जो थे ब्लू, व्हाइट और रेड, ये ज्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि ये माने जाते थे कि एक देशभक्त नागरिक के साइन जो है वो यही तीन कलर्स हैं. अदर पॉलिटिकल सिंबल्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ड्रेस. कुछ और भी पॉलिटिकल सिंबल्स थे जो भी क्या कहते हैं उनकी ड्रेस का हिस्सा बनने लग गए. द रेड कैप ऑफ लिबर्टी, अब रेड को जो है वो लिबर्टी की कैप माने जाने लग गया. लॉन्ग ट्राउजर्स एंड द रेवोल्यूशनरी कॉकेड पिन ऑन टू द हेड, बड़े बड़े ट्राउजर्स पहने जाने लग गए और क्या कहते हैं कॉकेट जो है वो एक 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 तरफा जो टोपी होती है वो लगाई जाने लग गई. द सिंप्लिसिटी ऑफ क्लोथिंग वॉज मेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, और ये जो इतना सादा क्लोथिंग का तरीका रखा गया वो उसके लिए था कि हम सब जो हैं वो बराबर हैं, ये दिखाने के लिए जो क्लोथिंग स्टैंडर्ड है या क्लोथिंग स्टाइल जो है वो इस तरीके का सिंपल रखा गया था. नॉट ऑल सम्चुरी लॉज वर मेंट टू एम्फेसाइज सोशल हायरार्की, हर एक सम्चुरी लॉ जो थी वो इतनी स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी इन सोशल हायरार्की के लिए. सम सेंचुरी लॉज वर पास्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन प्रोडक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, कुछ लॉज जो थी ये सेंचुरी लॉज इसलिए बनाई गई थी ताकि जो होम प्रोडक्शन हो रहा है
उसको इंपोर्ट होने से बचाया जा सके। मतलब अगर हम बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर हम होम प्रोडक्शन हो तो उससे काफी चीजों को मदद मिलेगी। फॉर इंस्टेंस इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड वेलवेट कैप्स वर मेड विद द मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एंड इटली वर पॉपुलर अमंग्स मेन। अगर बात कहें तो 16th सेंचुरी इंग्लैंड में जो वेलवेट कैप बनती थी वो उस मटेरियल से बनाई जाती थी जो कि फ्रांस और इटली से लाया जाता था और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था मेन में। इंग्लैंड पास्ड अ लॉ व्हिच कंपेल्ड ऑल पर्संस ओवर 6 इयर्स ऑफ एज एक्सेप्ट दोज ऑफ हाई पोजीशन टू वेयर वुलन कैप्स मेड इन इंग्लैंड ऑन संडेज एंड ऑल हॉलीडेज। अब इंग्लैंड ने एक लॉ पास करी जिसमें उन्होंने सबको फोर्स किया कि जितने भी लोग हैं 6 साल से बड़े वो चाहे कितनी भी हाई पोजीशन को वाले हो उनको छोड़ दो बस, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब वुलन कैप्स पहनेंगे जो कि इंग्लैंड में ही बनी होगी और वो खास तौर से संडे को या जो भी होली डेज होते हैं उनके लिए जो है वो वुलन कैप्स ही पहनेंगे। दिस लॉ रिमेन्ड इन इफेक्ट फॉर 26 ईयर्स एंड वॉज वेरी यूजफुल इन बिल्डिंग अप द इंग्लिश वुलन इंडस्ट्री। अब ये लॉ का असर कैसा रहा कि पूरे 26 साल तक ये लॉ ने काम किया और उसके वजह से फायदा क्या हुआ कि इंग्लिश वुलन इंडस्ट्री जो है उसका सेटअप हो पाया।